बालाघाट में इंटरकास्ट लव मैरिज का एक मामला सामने आया है। इस मामले में नवविवाहित जोड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले में उन्हें कोतवाली थाने भिजवाया गया, जहां दोनों ही नवविवाहित जोड़े से संबंधित परिवारों के परिजनों को बुलाकर TI के द्वारा बयान दर्ज कराया गया। इसके बाद इस नवविवाहित जोड़े को स्वतंत्र कर दिया गया। आइए नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक युगल प्रेमी नवविवाहित जोड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट पहुंचा और अपनी सुरक्षा की मांग की। इनका कहना है कि उन्होंने 6 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज से शादी की और इसके बाद 8 दिसंबर को बौद्ध धर्म के अनुसार पुनः शादी की है, लेकिन युवती के परिजन इस मामले में राजनीति के अप्रोच लगाकर उनके इस विवाह के खिलाफ है, जिससे उन्हें डर है कि कोई उन्हें जुदा न कर दे। इसी को लेकर उन्होंने सीधे SP कार्यालय पहुंचकर अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। हमने इस दौरान नवविवाहित जोड़े से चर्चा की है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। SP ऑफिस, आज हमने 6 तारीख को शादी की है और 6 तारीख के बाद 6 तारीख को हिंदू धर्म की रीति रिवाज से शादी की, 8 तारीख को बुद्धिस्ट धर्म के अनुसार हमने शादी की। तो काफ़ी ज़्यादा इनके पिताजी की तरफ से काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए हम SP सर के सामने संरक्षण में अपना बयान आए। क्या आश्वासन मिला है अभी तक? SP सर ने हमको बालाघाट कोतवाली में बयान देने के लिए बोले हैं, अभी हमारा बयान देना। आपका नाम क्या है? क्या आप सहमत है इस शादी से? जी, मैं इस शादी से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्या पहले कर चुके हैं शादी, आज केवल संरक्षण मांगने के लिए आए हैं आप लोग? हम लोगों ने 6 तारीख को ही शादी की, जब हम लोग घर से निकले थे उसके बाद 6 तारीख को हिंदू रीति रिवाजों से और फिर 6 तारीख को, 8 तारीख को बौद्ध धर्म के। तो कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं किसी तरह का शादी को लेकर? जी नहीं, ना मेरे हस्बैंड की तरफ से था ना उनकी फैमिली। नहीं नहीं, आपकी फैमिली की ओर से? हाँ, मेरी फैमिली की तरफ से था, क्योंकि हम लोगों के इंटरकास्ट होने की वजह से मेरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम थी। तो किस? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ ऐसी कम्युनिटी से जहाँ कास्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बट स्टिल लाइफ में आपकी हर जगह कास्ट काम नहीं आ सकती। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस पूरे मामले में नवविवाहित जोड़े को बयान दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाने भेजा गया, जहां दोनों ने अपने बयान दर्ज किए। इसके साथ युवती और युवक के परिजनों के भी बयान लिए गए, जिसके बाद दोनों को स्वतंत्र कर दिया गया। आपको बता दें कि युवक मोंटी घरडे छात्रावास अधीक्षक के पुत्र है, जो बालाघाट में निवास करते हैं, जबकि युवती रूपाली नरसवानी उकवा निवासी व्यापारी की पुत्री है, जिन्होंने प्रेम प्रसंग के चलते आपसी सहमति से विवाह कर लिया और फिर सुरक्षा की मांग के लिए SP कार्यालय पहुंचे। एक नवविवाहित जोड़े को लेकर आप लोग थाने पहुंचे हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि दोनों ने शादी कर ली है हमें बौद्ध पद्धति से जी, और दोनों की राजी खुशी है, दोनों मालिक हैं। तो हमने SP से यही बोला कि भाई इनके प्रेशर जो आ रही है लड़की की तरफ से, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं, शादी तो ऑलमोस्ट कई लोग करते हैं, लेकिन आप लोग आज SP कार्यालय पहुंचे, एक नए प्रकार का मामला हो गया जी। सुरक्षा के लिए क्यों, आपको कोई डर है क्या इनको? कोई नहीं, डर का नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर। तो आपने अभी SP से क्या रिक्वेस्ट किया? रिक्वेस्ट किया कि लड़की की तरफ से कोई ऐसा हो सकता है तो आप, उन्होंने बता दिया कि सिग्नेचर करके दे दिया, बोले थाने में जाके आप बयान दीजिए।